स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ददरी मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। इस मेले की महानता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि चीनी यात्री फैयान ने भी अपनी किताब में इस मेले का जिक्र किया था। महर्षि भृगु की तपोस्थली बलिया की पावन धरती पर उनके परम शिष्य दरदर मुनि के नाम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। दरदर मुनि इस मेले की शुरुआत वैष्णव यज्ञ के द्वारा किए थे। वैष्णव यज्ञ में 88,000 ऋषि मुनियों ने भाग लिया था और उस यज्ञ का आयोजन बलिया के पावन धरती पर किया गया था। उसके बाद से ही उन्हीं दरदर मुनि के नाम पे इस मेले को जाना जाता है। लगभग शाम के 5:30 बजे मैं पहुंचा इस मेले को देखने के लिए, और पहुंचने के बाद मैं ये देखा कि कुछ झूले चालू हैं और कुछ झूले बंद हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने को आ गया था, शाम हो चुकी थी और कुछ दुकानें अभी बन रही थी, कुछ दुकानें बन चुकी थी। पूर्ण रूप से यह मेला अभी चालू नहीं हुआ था। अगर आप झूलों से प्रेम करते हैं, झूलों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो अभी आप मत आइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।